हाय फ्रेंड्स, आज मैं कुक कुछ नहीं करना। आज मैं बना रही हूँ फ्रेश ग्रीन वाली चटनी। चटनी बनाने वास्ते देखो, सब तो पहला अपने चाहिए पुदीना। मैं पुदीना धो के रखा, इसमें ये पा रही हूँ। फिर मैनू चाहिए धनिया, ये धनिया भी असी कट के रखा हुआ है, ये मैं ये पा रही हूँ। फिर मैं चाहिए तिखा खाना है तो मिर्चा पाओ ज़्यादा, जो ज़्यादा तिखा नहीं खाना, ये तिखिया ने मिर्चा, इस करके मैं दो ही पाइया ने। फिर आप पावे ये सिर्फ दो कलियाँ लसन दिया, ये ने सब तिखा करन वास्ते, ठीक है। तो इनू हूँ ना मैं पहला पीस लवान, ये ग्राइंड कर ला। एक चम्मच दही है, गाढ़ा दही लो, गाढ़ा दही लैके इनू एक चम्मच ये पा लो। जे गार्लिक होर पसंद करते हो तो नो प्रॉब्लम, पा सकते हो। हूँ मैं की किता, इनू ये मेरा थोड़ा सा हो गया है ग्राइंड, तो इसमें मैं डाल लूँगी थोड़ा सा, जितना आप नमक खाते हैं उसके हिसाब से। खट्टे के लिए मैंने ये इमली की जो चटनी है वो डालनी है, ये मैंने डाल दी। और अब मैं डालूँगी छोटा सा टुकड़ा अदरक का और ये प्याज। प्याज भी मेरे को थोड़ा ज़्यादा लगा तो मैं नहीं डालूंगी इतना। तो ये मैं इसको एक मिनट करती हूँ। देखिए आप, ये हो गई है हमारी चटनी का लास्ट, मैं देखो मीठे का रस डालती थोड़ा सा, और ये हमारी चटनी बन के आई है तैयार। मैं देखती हूँ इसको खोल के कैसे बनी। वाह, ब्यूटीफुल कलर, ये देखिए। अब मैं इसको डाल लेती हूँ सर्विंग बाउल में। ये मैं देखिए, अगर ना आप इस चटनी को और लैश ग्रीन देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ धनिया जो है वो बहुत सारा डालिए, प्याज जो है वो कम डालिए, और पुदीना भी कम डालिए, क्योंकि उससे ना फिर कड़वी होती है। तो हम धनिए वाली जो है ना, जो फिश के साथ खाते हैं, जो पकौड़ा के साथ खाई जाती है, वो वाली जो ग्रीन, बिल्कुल ग्रीन होती है, उसको भी हम बना सकते हैं। देखिए ये मेरी चटनी बन के हो गई है तैयार। आप देखें कैसी लग रही है। आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अगर कुछ और देखना चाहते हैं वो भी देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।